Welcome back with another video with Irish Park Reaction Channel. So hopefully you guys are doing good and great. तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, ये आज जो वीडियो है मैं घर पे कर रहा हूँ और बैकग्राउंड भी आपको उम्मीद है कि आपको बढ़िया लगा होगा। तो गाइस, जिस वीडियो पे आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ उसको वीडियो का नाम है टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया 2021, इंडिया मेगा प्रोजेक्ट 2021 हिंदी एंड उर्दू। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें जो 2021 के प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। ये बड़ा ही इनका ज़बरदस्त चैनल है, बड़ा इंफॉर्मेटिव चैनल है। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो गाइस, इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। और अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है इंस्टाग्राम पर तो आप मुझे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इंस्टाग्राम का, तो आप जहाँ पर वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1, 2, 3 मेगा प्रोजेक्ट्स। ओहो, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस ये वीडियो। काम शुरू हो चुका है और कुछ समय के बाद आपको ये प्रोजेक्ट भारत में देखने को मिल जाएंगे। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, दीपक एंड इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। सही से बड़ा प्यारा बनाया है यार हिमांक। तो हो सकता है आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे नहीं जानते हो। ये प्रोजेक्ट वैसे कोई नया प्रोजेक्ट नहीं। अच्छा, काफी पुराना प्रोजेक्ट है। अगस्त 1985 में इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अच्छा शुरू था पहले प्रोजेक्ट हिमांक को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत बीआरओ को ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी कि उन्हें रोड और उसी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को लद्दाख रीजन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कंस्ट्रक्ट करना है। काफी सारी सेंसिटिव मिलिट्री एरियाज में आज एक्सेसिबिलिटी हिमांक द्वारा बनाए गए रूट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तो सारे जानते हैं, वहां तक भी एक्सेसिबिलिटी हिमांक प्रोजेक्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाई थी। और अब इसी हिमांक प्रोजेक्ट के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की पहली ऐसी रोड बना रही है जो कि ग्लेशियर को काट, दुनिया की पहली जो काट के बनाई जाएगी, काट के। ये प्रोजेक्ट ईस्टर्न लद्दाख में कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर के आसपास वेदर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं रहती हैं, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना कोई आसान काम नहीं होगा। साथ ही वेदर के साथ साथ एवलांचेस भी इस तरह के तो अगर आपका भी काफी अलग सी जगहों पर ट्रैवलिंग करने का मन करता है तो ये प्रोजेक्ट बनने के बाद आपके लिए सबसे सही वाला है। दिल्ली मेरठ। तो अगला प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। मेरठ एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट वैसे कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड करने के सिर्फ दो कारण है। पहला ये कि ये प्रोजेक्ट हाल ही में कंप्लीट हुआ है, और दूसरा ये कि ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट 96 किलोमीटर लंबा कंट्रोल्ड एक्सेस 96 लंबा जो कि दिल्ली को मेरठ के साथ गाजियाबाद होते हुए कनेक्ट करेगा। लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। बहुत ज्यादा यार, फोर सेक्शंस में पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो जैसा मैंने बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट सेक्शन में बनकर तैयार हुआ था, तो उसी तरह से इसका सही सही यानी कि चारों सेक्शंस का काम लगभग एक साथ शुरू हुआ। कुछ महीनों का फर्क जरूर। रोड कितने पे आए यार, 5-5 रोड। और 2018 में इसका पहला सेक्शन जो इनॉग्रेटेड हो चुका था, पहला सेक्शन दिल्ली यूपी बॉर्डर तक था उसको इनॉग्रेट भी कर दिया गया था। खैर, अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार, 2018 में स्टार्ट किया। कई ऐसे प्रोजेक्ट काफी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि आपको एक स्मूथ ट्रैवलिंग ऑप्शन आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। कल्पसार प्रोजेक्ट। तो कल्पसार प्रोजेक्ट में बेसिकली एक 30 किलोमीटर के डैम को बनाने की बात की गई है गल्फ ऑफ खंबात के अक्रॉस, ताकि उस पानी को इस्तेमाल में लिया जा सके इरिगेशन यानी कि सिंचाई, ड्रिंकिंग या फिर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए। गुजरात में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसमें 30 किलोमीटर के डैम में इतनी कैपेसिटी होगी कि 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर साफ पानी लगभग गुजरात के साल भर के बारिश के पानी से जो नदियां जैसे नर्मदा, माही, साबरमती के अंदर जो फ्लो आता है उसका 25% पानी है।
डैम के साथ साथ इसके ऊपर एक 10 लेन की रोड बनाने का भी निश्चय किया गया है, जो कि सौराष्ट्र को साउथ गुजरात से काफी अच्छी कनेक्टिविटी देगा। लगभग 90,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग बिलियन डॉलर के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आ सकता है। अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ स्टडी हो रही है और शायद इसी साल के अंत तक ये सारी कम्प्लीट हो जाएगी। तो अब क्योंकि एक डैम प्रोजेक्ट है तो इन्वायरमेंट को लेकर के या फिर रिवर्स को लेकर के काफी सारी दिक्कतें इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आ जाती हैं, लेकिन अगर ढंग से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए तो ये काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हर साल 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर को स्टोर करके रखेगा। और इस बात को आप सिंपल इससे समझ लो कि हर साल लगभग 30,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी नर्मदा नदी से सीधा समुद्र में जाया हो जाता है, इस्तेमाल नहीं करते उसको। स्टोरिंग की फैसिलिटीज नहीं है, जिस वजह से उस सारे के सारे पानी की जो कि साफ था सिर्फ वेस्टेज होती है। चलिए वापस आपको लेकर चलता हूँ नॉर्दर्न स्टेट में, जहाँ पर हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा जो भी एक हाईवे प्रोजेक्ट ही है, किमू पदुम धर्चा रोड, या फिर जिसे अंडर कंस्ट्रक्शन लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में, बांग्लादेश के बीच में साउथ की तरफ आने वाला हाईवे होगा, जिसे अगर इंडियन मैप में देखा जाए तो जो की लद्दाख के निम्बू रीजन को हिमाचल प्रदेश से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। तो लेह मनाली हाईवे अभी पहले से ही एक मौजूद हाईवे है जो की लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट, लद्दाख को हिमाचल से का हाईवे एक अल्टरनेटिव हाईवे का काम करेगा लद्दाख को हिमाचल प्रदेश कनेक्टिविटी के लिए। लद्दाख को वैसे भी इंडियन रीजन और खासकर रोड से कनेक्टिविटी देना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छा होने से काफी हद तक वहाँ चीजों को पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा, फिर चाहे वो कोई आम नॉर्मल सी लोगों की जरूरत की चीजें हो या फिर मिलिट्री के इक्विपमेंट पहुंच जाएंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे बनेगी, हाईवे को बनाया जा रहा है और ये उम्मीद है कि 2023 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह पैसा लग रहा है हो जाएगा, जिसके बाद अभी जो लेह मनाली हाईवे से लगभग 14 से 16 घंटे लगते हैं लद्दाख तक जाने में, वो टाइम सिर्फ 10 से 12 घंटे तक रह जाएगा। और अटल बहुत जबरदस्त काम हो रहा है हो चुका है, और शिंगवाला टनल जिसमें इस वक्त काम पूरा हो रहा है, इन टनल्स के पूरा होने के बाद एक और बेहतर कनेक्टिविटी हाईवे के थ्रू मिलता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यार ये मेरा फेवरेट है प्रोजेक्ट, ये बेसिकली कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें ये देखकर बता दिया जाए कि हाँ ये एक दो साल के अंदर पूरा हो जाएगा, ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें काफी टाइम लगेगा, इसमें एक दो साल और लगा दिए जाए तो। ओला पे एक वीडियो की है और टेस्ला आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक पे काम कर रही है, उस समय भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट उठा था, लेकिन उसके बाद से अभी तक काफी समय के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे गायब ही हो गए, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग और काफी हद तक चेंज होती सिचुएशंस की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी हद तक लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, और इंडिया में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जबरदस्त लगे हैं। काफी हद तक ऐसी इंडियन कंपनीज है जो की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रही है, और कई ऐसी बड़ी कंपनीज भी है जो की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इंडिया आने लगी है, जिस वजह से अगर आपको फ्यूचर में ऐसा देखने को मिले कि इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जबरदस्त की बात है, जब हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने ये बोला था कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो हम अगले 6 महीने से भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने वाले, और इसके साथ ही बात ये भी बोला कि इंडिया आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर बन सकता है, क्योंकि हमारे भारत की मार्केट आज के समय में बहुत बड़ी है और काफी हद तक बहुत बड़े ब्रांड हमारे इंडिया के अंदर नो डाउट प्रेजेंट है। बहुत बड़ी क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग का एक अच्छा बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया, बहुत इंडिया रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ये असल में एक प्रपोज्ड सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, जिसका मेन एम है कि जो भारत के अंदर वाटर रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना, जिसके तहत इंडिया की काफी सारी नदियों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, जिसकी मदद से जिस जगह पर पानी की शॉर्टेज है वहां तक इरिगेशन और ग्राउंड वाटर को पहुंचाया जा सकेगा, साथ ही उन जगहों को भी मदद मिलेगी जहां बारिश के मौसम में काफी हद तक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है ये वाला भी, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर आज लगभग दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन इंडिया के पास दुनिया के मुकाबले सिर्फ लगभग 4% के आसपास ही वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, जिस वजह से कई बार कई जगहों पर पानी की काफी हद तक कमी हो जाती है, जबकि कई जगहों पर हालात इस तरह के बन जाते हैं कि बाढ़ काफी हद बहुत अच्छा काम कर रही है इंडिया इस हवाले से। एक ही सलूशन है कि इन सारी नदियों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि अच्छे से वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके। इंटरलिंक प्रोजेक्ट को बेसिकली 3 पार्ट में इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग कंपोनेंट, इंटरस्टेट रिवर्स लिंकिंग कंपोनेंट,
तो खैर इस प्रोजेक्ट में काम तो होगा ही, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि इस तरह का प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, नेचर के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का प्रोजेक्ट एक अच्छा बहुत जबरदस्त के लिए लेकर के आ सकता है? बहुत जबरदस्त, कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स को ही इंक्लूड करेंगे। अगर आपको जरूर लाइक करें है तो हम और प्रोजेक्ट्स करके फ्यूचर में और ऐसी ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई ओह माय डेज गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंडिया में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि मतलब बंदा एक दफा हैरान हो जाता है। कभी मेट्रो लाइंस के हवाले से, कभी डेवलपिंग सिटीज़ के हवाले से, कभी वो जो अभी रिसेंट मैंने वीडियो की थी उसमें जो ट्रेन्स थी वो, उसमें कार्गो ट्रेन्स के हवाले से स्पीड कितनी आ, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा और सिटीज़ में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है और क्या क्या मतलब बिजनेस फिर इलेक्ट्रिक पे भी बात करते हैं। सबसे तो पहले बड़ी अच्छी वीडियो थी इनकी, इन्होंने अपना मतलब फेस रिवील नहीं था किया पहले, तो काफ़ी अच्छा मतलब लगा देख के इन्हें, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव थी। दो चार चीज़ों पे मैं बात करूँगा इसमें। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इसमें वाटर के हवाले से। वाटर में गाइस ये कि पूरी दुनिया में जो वाटर है उसकी शॉर्टेज आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको वाटर को स्टोर करने के, क्योंकि आने वाले वक्तों में वाटर की बहुत शदीद किल्लत हो जाएगी। और इंडिया जैसा पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन की बात करिए तो 18% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और उसको जो है वाटर वो प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है। और इसमें ऐसे डैम्स बनाने लगे जिसमें वो वाटर सेव करेंगे, वाटर ज़ाया ना हो। लाइक किसी एक शहर में या स्टेट में अगर पानी का कोई मसला होता है तो वो उसको बर वक्त दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। और वह रोड पे जो काम चल रहा है जो लद्दाख वाली साइड पे, और वो एक पता नहीं कौन सा एरिया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो थी, सियाचिन, हाँ, तो सियाचिन में वो रोड उसमें पहाड़ काट के जो स्नो वाले हैं तो वहाँ पे रोड्स बना रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, और बॉर्डर इन्फोर्समेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसमें मैंने एक वीडियो की थी ओला इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसके हवाले से, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपको जैसे पता है कि जो इन्वायरमेंट के लिए मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको जो पता है जो मामलात होते हैं उसमें, जो डीजल वाली गाड़ियां वो मतलब जब अपना छोड़ती हैं, वेस्ट छोड़ती हैं, तो आपको पता है पोल्यूशन बनती है उससे ऊपर जाके। तो उस पर ये कि पूरी दुनिया में तो ऑलरेडी काम चल रहा है, यहाँ पर यूरोप में, US में आगे पीछे काम तो चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत फेमस ब्रांड है इलॉन मस्क का, तो वो टेस्ला, वो बड़ा है, बहुत एक्सपेंसिव कार, उसको देखते ही लोगों ने उस पर काम शुरू कर दिया है लिथियम बैटरीज के वाले। सबसे पहले बंदा वही था इलॉन मस्क जिसने लिथियम बैटरी पे काम शुरू किया, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में बता के। उसको देखा देखी फिर टोयोटा कंपनीज और जितनी भी कंपनीज उन्होंने भी इलेक्ट्रिक कार्स पर काम शुरू कर दिया। तो आपको पता है इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है, ये कौन नहीं जानता। तो वहाँ पे वो बेसिकली प्रोडक्शन टेस्ला ने वहाँ पे भी लगाई है, आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी प्रोडक्शन हो जाएगी टेस्ला गाड़ियों की इंडिया के अंदर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये से इंडिया को भी फ़ायदा होगा, वो भी इस पे काम कर रहे हैं, लिथियम बैटरी का आई थिंक वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये 3-4 जो मुझे अच्छे पॉइंट लगे वो मैंने आपको बता दिया पूरी वीडियो में से। बाकी तो वीडियो बहुत अच्छी है, हर प्रोजेक्ट ही अच्छा है, मगर ये मुझे जहन में आए तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो गाइस बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेरे घर में मैं बैठ के वीडियो कर रहा हूँ, तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक छोड़ दूँगा, ज़रूर रिक्वेस्ट करनी हो तो वहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय।